जैसी जैसी कोई नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया जो तूफान मेल की तरह से तू सोई सोई ऑफिस भागी जा रही है? तू कुछ बोलेगी या इतनी भयंकर चुप्पी साध करके मैं परेशान करेगी? पापा जी प्लीज मत डांटिए ना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे बेटा क्या हुआ पता तो सही ना, एक रात ही रात में क्या हो गया? पापा जी गुलमोर का ऐसा कोई इंसान है जो नहीं चाहता टुमारो कलेक्शन पूरा हो? पता नहीं, लेकिन उसका मैं पता जरूर लगा कर ही रहूंगी। Someone's looking very nice today. Hi. अरे, guess करो, रात को शादी की बधाई किसने भेजी? तुम्हारे अरमान सूरी ने। हाँ, और साथ में ना फूलों का इतना बड़ा गुलदस्ता भेजा और लिखा था congratulations पूरा from अरमान सूरी। पूरा please जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ तुम परेशान नजर आ रही हो? मैं तुम्हें गाड़ी में बताती हूँ, प्लीज जल्दी करो। I just cannot believe this, Arman. तुम मुझे अभी बता रहे हो? जी डैड, ये ड्राफ्ट कैश में प्रॉब्लम है। अरमान, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल नहीं है, तुम नहीं समझते। अरे इस सप्लायर के पास जो फैब्रिक है वो और किसी सप्लायर के पास नहीं है। इसे नाराज करना मतलब इसके साथ हमेशा के लिए बिजनेस खत्म कर देना, एंड वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड दैट। छोटी सी फैशन इंडस्ट्री है अरमान, आज एक को पता चलेगा कल पूरी इंडस्ट्री में गुलमोहर की बदनामी होगी। एक सेकंड नहीं लगता रेपुटेशन बर्बाद होने में। सारी गड़बड़ अभी होनी थी और इसी सप्लायर के साथ। समझ में नहीं आता किसकी भूल है और कैसे हुई। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि ये ड्राफ्ट उस सप्लायर को क्यों नहीं पहुंचा है, किसकी गलती है ये। मैं गुलमोहर की सीईओ हूँ और मैं उस आदमी को सजा दिलवा कर ही रहूंगी सर। बेबी, इनका अपना सारा ध्यान अपनी बेटी पर है, अब ये इस बात को लेके परेशान है कि उसकी परेशानी टली की नहीं। मैं तो उनसे ये कह रही हूँ कि अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो आप ऑफिस चले जाइए, एक बार मिल आइए उससे। नहीं नहीं, थोड़ी सब संभाल लेगी, तू चिंता ना कर बिल्लू। अरे बेबी, मुझे उसके ऑफिस की चिंता नहीं है, उसकी चिंता है जस्सी की। ऑफिस में कौन बदमाश है इतना परेशान कर रखा है उसने, इतना परेशान कि अपनी शादी तय हो जाने की खुशी तक नहीं मना सकती। नहीं खुश है वो, बस दिखाती नहीं है। लड़की बहुत समझदार है, जानती है कि कब काम पे ध्यान देना है और कब खुद पे, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग रखती है जस्सी। अगर ये सच है तो बहुत अच्छा है बेबी, तो कई बार बहुत डर जाता हूँ, हमेशा अपने काम में ही लगी रहेगी, ऑफिस की बात करती रहेगी, पूरब से भी काम के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ और है भी? अब है ना, कोई और भी है उसकी दुनिया में जो खास जस्सी की दुनिया बसाने के लिए बना है। हेलो सर, मिस्टर पूरब मेरा ऑनलाइन। कौन? पूरब मेहरा? यस सर, मिस्टर पूरब मेहरा फ्रॉम 3T। हाँ, चलो। अरमान,
पूरब मेरा है। लुक, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा गुलदस्ता मिला, बहुत ही खूबसूरत था। यू वेलकम। आई होप तुम्हारी और जस्सी की जिंदगी भी इन फूलों जैसी खूबसूरत। आई होप सो टू अरमान, आई होप सो टू। यू नो आई फील वेरी लकी कि मुझे जस्सी जैसी लाइफ पार्टनर मिली। बिल्कुल, पता नहीं क्यों मगर मुझे ऐसा लगता है कि जस्सी के आने से मेरी किस्मत बदलने वाली है, बिल्कुल गुलमोहर की तरह, जिसकी किस्मत जस्सी की सीईओ बनने से बदल गई है ना। हाँ, कम ऑन अरमान, तुम्हें यह बात तो माननी होगी जब से जस्सी सीईओ बनी है गुलमोहर और भी तरक्की करने लगा है। लेकिन हाँ, कोई है जो इस तरक्की से ज्यादा खुश नहीं है और बार बार रुकावटें पैदा कर रहे हैं। वो जो भी है वो एक बात जानते हैं कि अब जस्सी अकेली है, जस्सी के साथ मैं भी हूं, और इस तरह की हरकतें मैं ना ही बर्दाश्त करता हूं और ना ही माफ करता हूं। आई एम सॉरी अरमान, मैं कहां से कहां पहुंच गया। एनीवे, मैंने सिर्फ थैंक यू करने के लिए फोन किया था। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। टुमारो कलेक्शन के लिए सोते जागते मेरे दिमाग में फूट फूट कर आइडियाज आ रहे हैं, कलर, शेप, साइजेस, टेक्सचर, मूड्स का। लेकिन इस ऑफिस में किसी की सिली मिस्टेक की वजह से मेरा करियर बर्बाद होने जा रहा है। फिनिश, आई एम ओवर नाउ। मैरिसा प्लीज रिलैक्स, मैं कोशिश करके सारे पैसे सप्लायर तक पहुंचवा दूंगी। कैसे जस्सी, जादू से? जस्सी तुम भूल रही हो कि आज बैंक हॉलिडे है। काश पैसे पेड़ पर उगते, हवा से उड़कर ना वो सप्लायर तक पहुंच भी जाते। जस्सी देख वीरू आया। बैक। तुझे पता है वीरू कितना नुकसान होने वाला है? मुझे पता है, अगर मैं अपने आप को और अपनी बाइक को भी बेच दूंगा ना, फिर भी इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अरे पर तुमने ड्राफ्ट कहाँ रखा, वो तो तू याद कर सकता है ना। वीरू तुम रिलैक्स करो। ओके, ध्यान से सोचो कि यहाँ से ड्राफ्ट लेने के बाद तुम कहाँ गए थे। एक मिनट, ये पानी पी लो। वीरू ध्यान से सोचो, ड्राफ्ट मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारे हाथ में था वो ड्राफ्ट, तुम यहाँ से गए, तुम किसी को मिले थे बीच में, किसी से टक्कर हुई। कहाँ गए तुम? वीरू धीरे धीरे से याद करो। ओके, ऐसा क्या हुआ कि सप्लायर तक पहुंचते पहुंचते वो लिफाफा खाली था? जस्सी, तुमको ठीक से याद है कि तुमने लिफाफे में ड्राफ्ट डाला था? वीरू प्लीज। वीरू, हाँ मुझे याद है, तुमने लिफाफे में ड्राफ्ट डाला था। हाँ वीरू प्लीज याद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से कहाँ गए थे? तुम किस किस से मिले थे वीरू? मैं याद तो कर रहा हूँ। और कोशिश कर। अरे हाँ, मुझे याद आया। क्या? नहीं, वो तो याद आया। वो तो उधर जा रहा था। वीरू प्लीज मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई मिला था रास्ते में बीच में? लिफाफे और तुम्हारे बीच में कभी कोई आया था, कोई भी? वीरू तुझसे कोई टकराया, कोई तुझ पर गिरा, कोई तुझ पर कूदा, या फिर तू किसी पे कूदा, लिफाफा तुझसे गिरा? अरे मेडिसिन लिफाफा मेरे ही हाथ में था, दिमाग भी तेरे हाथ में ही था। हाँ याद आया, मेरी मेरी टक्कर तो हुई थी, टक्कर हुई थी। और जैसी मेरे हाथ से लिफाफा भी गिरा था। कुछ नहीं याद आ रहा। वीरू याद कर, हम सबकी इज्जत का सवाल है, तेरी, गुलमोहर की, जस्सी की, सबकी इज्जत का सवाल है। वीरू सोच। वीरू प्लीज, तुम उस आदमी की ऐसी कोई बात, उसके कपड़े, उसकी शक्कर, उसका परफ्यूम, कोई भी बात? कहाँ मिला था वो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वीरू
क्या बात है डैड? बहुत सोचने और समझने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मलिका की भी यही राय है कि हमें इस बात को और नहीं टालना चाहिए। I'm sorry, Dad. Dad, इस वक्त गुलमोहर क्राइसिस से गुजर रहा है। मैं इस क्राइसिस को सॉल्व करने में इतना बिजी हूँ कि मलिका के साथ शादी की बात सोच भी नहीं सकता। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ अरमान, मैं बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द मीटिंग बुलाकर जस्सी को सीईओ की पोस्ट से हटा देना चाहिए। अरमान, मैं जानता हूं कि तुम्हें जस्सी पर बहुत भरोसा है। उसने तुम्हारी सेक्रेटरी की ड्यूटीज बखूबी निभाई। मैं ये भी जानता हूं कि वो सीईओ के पोस्ट पर रहकर गुलमोहर के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और तुम्हें उससे बहुत उम्मीदें भी होंगी। लेकिन बेटा, जज्बात के जोर पर बिजनेस नहीं चलता और ना ही चलना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जस्सी को सीईओ की पोस्ट से हटा देना चाहिए। उसने एक ही दिन में अपनी नाकाबिलियत साबित कर दी है। सो विदाउट मच डिले हमें यह कदम उठा लेना चाहिए। अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं खुद जाकर जस्सी को खबर दे आता हूं। जस्सी का हटना यानी कोहिनूर गया। जस्सी मैं बहुत खुश हूँ। I'm happy, very happy, happy, happy. And जस्सी, ये फूल तुम्हारे लिए, okay? सप्लायर फैब्रिक भेजने के लिए तैयार हो गया है, कल भेज रहा है। क्या? हाँ, तुम्हारी वजह से जस्सी। लेकिन फिर उसे तुम्हारा ख्याल आया। उसे पता है तुमने गुलमोहर को कैसे एक नई दिशा दिखाई है। इसलिए वो कल फैब्रिक भेज रहा है। कल फैब्रिक आ जाएगा और मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। This is a very big compliment for you. Thank you, Mary sir. Oh, good morning, sir. आप यहाँ? आप मुझे बुला लेते, मैं? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही ये पता करने आया था कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। यहाँ ठीक क्या, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। Very good, Jesse. Keep it up. Thank you. Bye, Puru. गुलमोहर में गुल खिलाने वाली जस्सी जसमीत वालिया, keep it up, okay? Bye, Dada. मलिका, मलिका, आप ये क्या कर रही हो? रोशन वेज सुमंथ, ये तो वेडिंग कार्ड है, इसे फाड़ क्यों रही हो? मेरी मर्जी, मैं सारे के सारे वेडिंग कार्ड फाड़ रही हूँ। मलिका पर क्यों? Why? क्यों क्या अरमान, सबकी शादी हो रही है सिवाय मेरी, और मैंने ये फैसला किया कि जब तक मेरी शादी नहीं होती मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगी। मलिका, जब सही वक्त आएगा तो तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। मेरा मतलब है हमारी भी शादी हो जाएगी। रहने दो अरमान, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुमको भी और तुम्हारे पापा को भी। तुम शादी टालते रहते हो और तुम्हारी डैड बोर्ड मीटिंग। मैं समझा नहीं मलिका। नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। मैंने पूर्व अंकल से बात की थी जस्सी को सीईओ की पोस्ट से फौरन हटाने के बारे में।
अंकल मान गए थे कि हम बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ, उन्होंने तो अपना इरादा ही बदल दिया। मैं तुम सबको जानती हूँ, कोई मेरी तरफ नहीं है, इस ऑफिस में क्या होता है कोई मुझे बताता ही नहीं। आई हेट यू ऑल। देखा बेटा, तू बिना वजह से परेशान होती रहती है। सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना अब? खाना खाया तूने? हाँ खाया, क्यों? अरे तो फिर इतनी मरियल सी आवाज में क्यों बोल रही है तू? कोई नई मुसीबत आ पड़ी क्या? नहीं पापा जी, अभी तक ये पता नहीं चला कि वो ड्राफ्ट किसने कैसे गायब करवाया। सारे ऑफिस में बेचारे वीरू को दोषी मान रहे हैं। मैंने तय कर लिया, मैं पता करके ही रहूंगी ये कौन है ये आदमी, कौन है ये गुलमोहर का दुश्मन जो जसी जसी। पापा जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक है जसी। हाँ? वो मुझे याद आ गया। तो फिर जैसी उस आदमी ने मुझे काम के लिए भेजा था। हाँ? वो ड्राफ्ट वाला लिफाफा लेके मैं जा रहा था। हाँ फिर मैं भाग रहा था जैसी कि उससे टकरा गया और वो लिफाफा, और उसने मुझे, मैंने कहा ना मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आ। तो कौन है वो, तुझे कौन है वो? जैसी वो अरमान सर थे। कोई नहीं जैसी जैसी, कोई नहीं।